A very good day to all of you. Let us start with the super quick audio learning session with prevention of the operation as mismanagement. This is Ankita Arora from Study Made Easy. Let us start. Operation and mismanagement. The word operation and mismanagement. अब ये जो word है operation mismanagement, इसका मतलब क्या है सबसे पहले ये देखते हैं. If I talk about the word mismanagement, मिसमैनेजमेंट का मतलब ये है कि जब हमने सेक्शन नंबर 234 किया था, दैट इज़ डायरेक्टर. कभी हमने अगर डायरेक्टर का सेक्शन किया हो तो वहाँ पे डायरेक्टर था. वहाँ पे और क्या लिखा था, जब हम कहते हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या है और डायरेक्टर क्या है, तो बोलते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कैसे एक्ट करेंगे, कलेक्टिवली एक्ट करेंगे. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कैसे कलेक्टिवली एक्ट करेंगे. कलेक्टिवली एक्ट करने का मतलब है एक डायरेक्टर ने अगर कोई डिसीजन लिया है तो दूसरा डायरेक्टर भी उस डिसीजन को एग्री करेगा. ऐसे कंपल्शन एग्री नहीं है, बट हाँ यहाँ पे कंपनी की तरफ इनकी ड्यूटी है, तो बेस्ट वे में ये क्या करेंगे, सर्व करेंगे और आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ दे वुड वर्क टुगेदर. अब अगर डायरेक्टर्स के बीच में ही डिस्प्यूट है, कन्फ्लिक्ट है, इफ देर इज़ डिस्प्यूट बिटवीन द डायरेक्टर, देर इज़ कन्फ्लिक्ट बिटवीन द डायरेक्टर, तो उस केस में क्या अराइज होता है, मिसमैनेजमेंट अराइज होता है, दैट इज़ मिसमैनेजमेंट. बट व्हेन आई टॉक अबाउट ऑपरेशन, ऑपरेशन का कंपनीज एक्ट ने कोई मीनिंग नहीं दिया है. देर इज़ नो मीनिंग गिवन बाय द कंपनीज एक्ट विथ रिलेशन टू ऑपरेशन. तो ऑपरेशन कैसे देखा जाता है, अगर कोई चीज़ रॉन्गफुल लग रही है वो ऑपरेशन हो सकता है, लेकिन रॉन्गफुल होने के साथ उससे डैमेज होना चाहिए. और डैमेज किसको होना चाहिए, तो डैमेज होना चाहिए मेंबर्स को. डायरेक्टर को डैमेज होगा वो ऑपरेशन नहीं है, मेंबर्स को डैमेज होना चाहिए. मेंबर्स को अगर डैमेज हो रहा है तो दैट इज ऑपरेशन, पहली चीज़. तो क्या कंपनीज एक्ट ने कहीं पे भी ऑपरेशन बता के रखा है कि ऑपरेशन क्या होता है, तो कंपनीज एक्ट ने कहीं डिफाइन नहीं किया है कि व्हाट इज़ ऑपरेशन. ऑपरेशन के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, आपको फैक्ट ऑफ द केस देखने होते हैं कि फैक्ट क्या स्टेट कर रहा है, क्या रॉन्गफुल है, क्या बर्डनसम है, तो वो ऑपरेशन हो सकता है. और ऑपरेशन ऑलवेज एंड ऑलवेज मेंबर पे होता है. अगर एक डायरेक्टर है, डायरेक्टर इन द कैपेसिटी ऑफ मेंबर है, तो अगर एज एन मेंबर उन पे कुछ क्या हो रहा है, गलत हो रहा है, तो डायरेक्टर भी जा सकता है ऑपरेशन के कंप्लेन के लिए, बट इन द कैपेसिटी ऑफ मेंबर ही जा सकता है. दिस वाज द फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू ऑपरेशन कि एक्ट में नहीं दिया है, मेंबर्स पे होता है. नाउ सेकेंड थिंग अबाउट ऑपरेशन, अगर हम दूसरी चीज़ ऑपरेशन की बात करें, तो ऑपरेशन के बारे में हम कहेंगे कि ये जो ऑपरेशन होता है, ज़रूरी नहीं है कि अगर आप क्या कर रहे हो, अपने राइट को एक्सरसाइज कर रहे हो. राइट को एक्सरसाइज करने का क्या मतलब है, राइट को एक्सरसाइज करने का मतलब है कि लॉ ने ही ये राइट दिया है कि सपोज़ कीजिए आप डायरेक्टर को रिमूव कर सकते हैं. यू कैन रिमूव द डायरेक्टर अगर आप किसी स्टैट्यूटरी पावर को यूज़ करते हैं, तो एक्सरसाइज ऑफ अ स्टैट्यूटरी पावर कैन नॉट बी स्टेटेड टू बी ऑपरेशन, उससे ऑपरेशन नहीं कहा जाएगा. कोई चीज़ हार्श है, रॉन्गफुल है, बर्डनसम है. हार्श जो वो वर्ड मैं लेके बोल रही हूँ कि अगर हार्श है कोई चीज़, लाइक आप रिमूव कर रहे हैं किसी को, आप क्या कर रहे हैं, किसी को रिमूव कर रहे हैं, मतलब स्टैट्यूटरी पावर किसी तरह से आप यूटिलाइज करके किसी के लिए हार्श डिसीजन ले रहे, तो हर हार्श डिसीजन ऑपरेशन नहीं होता है. स्टैट्यूटरी राइट को यूज़ करना इज़ नॉट ऑपरेशन. देन हमने अभी देखा क्या कि एक तो ऑपरेशन का मीनिंग नहीं दिया, ऑपरेशन मेंबर्स के अगेंस्ट होता है. ऑपरेशन का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप स्टैट्यूटरी पावर यूटिलाइज कर रहे हैं तो वो क्या है, ऑपरेशन है. तो ऑपरेशन क्या है, फोर्स करना माइनॉरिटी को, किसी भी तरह से माइनॉरिटी को फोर्स करना, या फिर किसी रिस्की ऑब्जेक्टिव के लिए फोर्स करना. अगर आप क्या कर रहे हैं, किसी रिस्की ऑब्जेक्टिव के लिए फोर्स कर रहे हैं, तो माइनॉरिटी को अगर रिस्की ऑब्जेक्टिव के लिए फोर्स किया जाता है, या फिर माइनॉरिटी को फोर्स किया जाता है कि वो अपने शेयर्स सेल कर दे मेजॉरिटी को, वो ऑपरेशन है. इन शॉर्ट हम ये बोल सकते हैं और कि ऑपरेशन विजुअल डिपार्चर फ्रॉम द फेयर डीलिंग है. ऑपरेशन क्या है, विजुअल डिपार्चर फ्रॉम द फेयर डीलिंग. हम बोल सकते हैं और ऑपरेशन क्या है, सपोज़ कीजिए आर्टिकल या किसी एग्रीमेंट में, कोई आर्टिकल या किसी एग्रीमेंट में ऐसा कोई प्रोविज़न बनाया जाता है जो प्रोविज़न ये कहता है कि
माइनॉरिटी या फिर कोई पर्सन, माइनॉरिटी या फिर कोई पर्सन क्या क्लेम नहीं कर सकता, ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट के रिलीफ के लिए क्लेम नहीं कर सकता, तो अगर आर्टिकल या फिर एग्रीमेंट में ऐसा कोई भी क्लॉज आपने लिखा है तो वो भी क्या है, ऑपरेशन ही कहलाता है। ऑपरेशन एक्ट में नहीं लिखा है, फैक्ट होगा, बर्डनसम होगा, हार्श होगा, रॉन्गफुल होगा। एक्सरसाइजिंग द पावर इज नॉट ऑपरेशन, आप फोर्सिंग द रिस्की ऑब्जेक्ट इज ऑपरेशन, विजुअल डिपार्चर फ्रॉम द फेयर डीलिंग इज ऑपरेशन। आप आर्टिकल या एग्रीमेंट में ऐसा कोई क्लॉज डालते हैं, प्रोविजन डालते हैं दैट रिस्ट्रेन्स अ पर्सन टू टेक रिलीफ ऑफ ऑपरेशन, वो वॉइड होता है। फिर इसके बाद बोलते हैं किसी चीज़ को ऑपरेशन प्रूफ करना है तो कहीं ना कहीं प्राइमा फेसी दिखना चाहिए कि ऐसी चीज़ें अगर कंपनी में होती रही तो ये जस्ट एन इक्विटेबल ग्राउंड फॉर वाइंडिंग अप है। मतलब अगर ऐसी ही चीज़ें कंपनी में होती, इस तरह का एक्ट माइनॉरिटी पे या किसी भी पर्सन पे होता है तो ऐसे केस में तो भाई वाइंडिंग अप होना ही चाहिए कंपनी का। वी आर नॉट सेइंग कि वाइंडिंग अप होके ही रहेगा, वाइंडिंग अप होना चाहिए या फिर जस्ट एन इक्विटेबल ग्राउंड है, मतलब वाइंडिंग अप के अलावा कोई रास्ता ही नहीं बचेगा। जस्ट एन इक्विटेबल ग्राउंड तब होता है जब कोई ऑल्टरनेट अवेलेबल नहीं हो, तो वहाँ पे भी क्या कहा जाएगा, दिस इज़ ऑपरेशन, इसे क्या कहा जाएगा, ऑपरेशन। फिर कहते हैं कि सपोज पास्ट में कोई एक्ट हुआ था, पास्ट में कोई एक्ट हुआ था और उसका जो इफेक्ट है पास्ट में ही ख़त्म हो चुका है। पास्ट में कोई इफेक्ट हुआ था, कोई एक्ट हुआ था, उसका इफेक्ट जो है पास्ट में ही वैनिश हो गया, ख़त्म हो गया है, और आप आज प्रेजेंट में चाहते हो कि उस ऑपरेशन वाले एक्ट के लिए जाए तो यू कैन नॉट गो। लेकिन पास्ट का कोई एक्ट जिसका कंटिन्यूटी में अब तक इफेक्ट आ रहा है तो उस चीज़ के एप्लीकेशन आप कर सकते हैं, वो ऑपरेशन है। उस चीज़ का एप्लीकेशन आप कर सकते हैं, वो क्या है, ऑपरेशन कहला जाएगा। इसके अलावा कहते हैं हर इलीगल एक्ट, हर इलीगल एक्ट जो है, ज़रूरी नहीं है कि हर इलीगल एक्ट क्या हो, ऑपरेशन हो, ज़रूरी नहीं है। इट माइट बी पॉसिबल कि इलीगल एक्ट ऑपरेशन हो, और हो सकता है इलीगल एक्ट का ऑपरेशन ना हो। मतलब सपोज़ करो मनी लॉन्ड्रिंग का कोई आप क्या कर रहे हो, एक्ट कर रहे हो, तो वो किसी के लिए ऑपरेशनल नहीं है। सपोज़ करो आपको सैलरी बांटनी है, आपने क्या किया, ड्रग्स वगैरह सेल करके एम्प्लॉयज़ को सैलरी दे दी, हार्म तो नहीं हुआ, डैमेज तो नहीं हुआ, एक्ट इलीगल है, बट हर इलीगल एक्ट ऑपरेशन हो ये ज़रूरी नहीं है, और हर लीगल एक्ट ऑपरेशन कभी हो ही नहीं सकता। कोई भी लीगल एक्ट क्या नहीं हो सकता, ऑपरेशन नहीं हो सकता। यहाँ पे आई हैव नॉट मैंशनड द केस लॉज ओवर हेयर, बट आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन वॉट आर द क्रक्स ऑफ ऑपरेशन, ऑपरेशन के क्या क्या क्रक्स हैं। देन इसके बाद यहाँ पे बोलते हैं, इतना ही नहीं, यहाँ पे और क्या बोला गया है, यहाँ पे सिंपल सिंपल बोला गया है कि ये ऑपरेशन नाम की चीज़ आई ही कहाँ से, ये कॉन्सेप्ट जो है ऑपरेशन का ये कहाँ से आता है। तो बोलते हैं फोर्स वर्सेस हरबॉटल का एक केस था, फोर्स वर्सेस क्या था, हरबॉटल का केस था, जहाँ पर ये केस रिजेक्ट कर दिया गया था। कहते हैं कि कंपनी जो है, कंपनी का जो अफेयर्स है, अफेयर्स ऑफ द कंपनी कंडक्ट होते हैं मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स के अकॉर्डिंग, मतलब मेजॉरिटी रूल पे एक कंपनी के डिसीजन चलते हैं। कंपनी के डिसीजन कैसे चलते हैं, मेजॉरिटी रूल पे चलते हैं। अगर मेजॉरिटी एग्री करेगी किसी चीज़ पे तो वो क्या है, कंपनी के लिए मेजॉरिटी के हिसाब से वो रेजोल्यूशन पास हो जाएगा, वो डिसीजन ले लिया जाएगा। जब फोर्स वर्सेस हरबॉटल का ये केस हुआ तो ये केस को डिसमिस कर दिया गया। ग्राउंड क्या था, वो ग्राउंड ये था कि दो शेयर होल्डर्स हैं, दो शेयर होल्डर्स ने डायरेक्टर के अगेंस्ट कंप्लेन की कि डायरेक्टर प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी जो है, डायरेक्टर जो है प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी मिसयूज़ कर रहे हैं, फ्रॉडुलेंटली यूज़ कर रहे हैं, कंपनी के बेनिफिट में ये काम नहीं कर रहे। एंड जब हमने डायरेक्टर का अगर चैप्टर आपने पढ़ा है तो डायरेक्टर के चैप्टर में क्या लिखा है कि डायरेक्टर कंपनी, ड्यूटी ऑफ द डायरेक्टर क्या है कि वो कंपनी के इंटरेस्ट में काम करेगा। डायरेक्टर की ड्यूटी है कि वो कंपनी के इंटरेस्ट में वर्क करेगा। तो यहाँ पे फोर्स वर्सेस हरबॉटल का जब केस हुआ तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि कंपनी की प्रॉपर्टी को ठीक तरह से यूज़ नहीं किया जा रहा, फ्रॉडलेंटली यूज़ किया जा रहा है, तो दो शेयर होल्डर्स कंप्लेन करने जा रहे हैं ट्रिब्यूनल को। ट्रिब्यूनल ने ये केस को रिजेक्ट कर दिया इस ग्राउंड पे कि यहाँ एग्रीव्ड पार्टी कंपनी है।
एग्रीव्ड पार्टी यहाँ पे कौन है? कंपनी है। यहाँ पे एग्रीव्ड पार्टी मेंबर नहीं है, तो कंपनी को, अगर कंपनी एग्रीव्ड है तो कंपनी को जाना चाहिए कहाँ पे? सूट करने के लिए। इंडिविजुअल मेंबर नहीं जाते, पॉइंट नंबर वन। सेकंड, यहाँ पे बोल रहे हैं जस्ट बिकॉज आपको इंजरी हुई है, जस्ट बिकॉज आपको डैमेज हुआ है, तो डैमेज इज़ नॉट अ रीज़न कि आप स्यू करें। आपको ये प्रूफ करना होगा कि सामने वाले ने ब्रीच ऑफ ड्यूटी किया है। सामने वाले ने क्या किया है? ब्रीच ऑफ ड्यूटी किया है, ये आपको प्रूफ करना पड़ेगा। लेकिन ब्रीच ऑफ जो ड्यूटी है, अभी अभी देखा है कि डायरेक्टर की ड्यूटी कंपनी के लिए होती है, डायरेक्टर की ड्यूटी मेंबर्स के लिए नहीं होती। तो जब मेंबर्स के लिए उसकी ड्यूटी नहीं है, कंपनी एज ए होल के लिए ड्यूटी है, तो यहाँ तो ब्रीच ऑफ ड्यूटी भी प्रूफ नहीं होता। यहाँ तो क्या प्रूफ नहीं होता? ब्रीच ऑफ ड्यूटी भी प्रूफ नहीं होता। तो बोलते हैं अगर पर्सन अग्रीव्ड है उसको इंजरी हुई है, तो मियर इंजरी इज़ नथिंग। यहाँ पे प्रूफ करना पड़ेगा क्या? कि ब्रीच ऑफ ड्यूटी है, और अगर ब्रीच ऑफ ड्यूटी नहीं है फिर से केस नहीं हो सकता। थर्ड, अगर कोई भी ऐसा एक्ट, अगर ऐसा कोई भी एक्ट हुआ है जिसे रेटिफाई किया जा सकता है, क्योंकि मेजॉरिटी के थ्रू क्या होता है, कोई भी एक्ट कंपनी में रेटिफाई किया जा सकता है। तो अगर मेजॉरिटी के थ्रू कोई भी एक्ट कंपनी में रेटिफाई किया जा सकता है, तो फिर यहाँ पे केस करने का मतलब ही नहीं बनता। यहाँ पे मेजॉरिटी के थ्रू डैमेज जो रिकवर करना चाहते हैं, ये लोग क्या कर देंगे? मेजॉरिटी रूल पास करके उसको क्या कर देंगे? नलीफाई कर देंगे कि क्या ज़रूरत है। तो ये तीन ग्राउंड्स थे जिसके बेसिस पे फोर्स वर्सेस हर्ट बॉटल का केस रिजेक्ट हुआ। उसके बाद फिर इस फोर्स वर्सेस हर्ट बॉटल के एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शंस में फिर कहा गया कि इस तरह से तो माइनॉरिटी का इंटरेस्ट कभी प्रोटेक्ट ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर मेजॉरिटी रूल कंपनी में चला, मेजॉरिटी अगर अपने पावर को मिसयूज़ करती है, मेजॉरिटी क्या करते हैं? अपने पावर को मिसयूज़ करते हैं टू डिफ्रॉड द माइनॉरिटी, या फिर क्या करना चाहते हैं, डिफ्रॉड करना चाहते हैं माइनॉरिटी को। तो यहाँ पे ऐसे में उनका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना है, दैट इज़ इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी। माइनॉरिटी के इंटरेस्ट को प्रिवेंट करने के लिए फिर कौन सा रूल आता है? एक्सेप्शंस टू द मेजॉरिटी रूल। तो यहाँ बोलते हैं ऑल्दो द डिसीजन हैज़ बिन मेड बाय मेजॉरिटी, मेजॉरिटी कोई भी डिसीजन ले, लेकिन अगर वो इलीगल डिसीजन है या फिर अल्ट्रा वायर डिसीजन है, इलीगल डिसीजन है, अल्ट्रा वायर डिसीजन है, तो यहाँ पे इलीगल अल्ट्रा वायर डिसीजन को आप रेटिफाई नहीं कर सकते हैं, एंड दिस इज़ अ ग्राउंड फॉर ऑपरेशन, ये ऑपरेशन का ग्राउंड बनता है। सेकंड, फ्रॉड ऑन माइनॉरिटी, जस्ट बिकॉज माइनॉरिटी पे फ्रॉड करने के लिए मेजॉरिटी अपनी पावर को मिसयूज़ करती है, तो ये ऑपरेशन है। या फिर एक कंपनी जिसमें मेजॉरिटी ऑफ द जो मेजॉरिटी है वो क्या करती है, एक कंपनी के प्रॉफिट को दूसरी कंपनी में क्या कर रही है, डाइवर्सिफाई कर रही है, डाइवर्ट कर रही है, और वो दूसरी कंपनी में भी यही लोग क्या हैं, मेजॉरिटी मेंबर्स हैं, ताकि इधर से प्रॉफिट डाइवर्सिफाई करके उधर मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स को वो प्रॉफिट मिल जाए एंड माइनॉरिटी को कुछ भी नहीं मिले, ये भी ऑपरेशन है। या फिर आप माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को कंपलसरी एक्विजिशन के लिए बोल रहे हो कि हम तुम्हारे शेयर्स को कंपलसरी एक्वायर करेंगे, एओए को आपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को अमेंड कर दिया, तो माइनॉरिटी को आप कंपेल नहीं कर सकते हो उसके शेयर्स सेल करने के लिए, ये ऑपरेशन है। सपोज़ करो डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया, तो देखो डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करना इज़ नॉट ऑपरेशन, बिकॉज लॉ ने स्टेचुटरी राइट दिया है कि आप चाहो तो डिविडेंड डिक्लेयर करो, आप चाहो तो डिविडेंड मत डिक्लेयर करो। लेकिन डिविडेंड डिक्लेयर करने के बाद किसी पर्टिकुलर शेयर होल्डर को अगर आप डिविडेंड नहीं दे रहे हो, किसी पर्टिकुलर शेयर होल्डर को आप डिविडेंड नहीं दे रहे हो, वो क्या है? ऑपरेशन है। आप मीटिंग कंडक्ट करते हैं, मीटिंग कंडक्ट करने में बोला है बोर्ड मीटिंग जब भी कंडक्ट होगी, जब क्या होगा, सॉरी, जनरल मीटिंग भी कंडक्ट होगी, यहाँ पे हर एक को क्या जाना चाहिए, नोटिस जाना चाहिए। तो जब हर एक को नोटिस जाना चाहिए, आप शॉर्ट नोटिस दे रहे हो, शॉर्ट नोटिस देना भी ओके वैलिड हो जाएगा अगर ये चीज़ रेटिफाई हो जाती है, लेकिन उस शॉर्ट नोटिस के कारण कोई एक पर्सन अटेंड नहीं कर पाया मीटिंग को, उस शॉर्ट नोटिस के कारण कोई पर्सन अटेंड नहीं कर पाया और वो ऑब्जेक्ट करता है, तो वो ऑपरेशन हो सकता है। या फिर पर्पसली आपने एक को नोटिस ही नहीं दिया कि नहीं देंगे, बोर्ड मीटिंग का भी नोटिस नहीं देंगे, तो ये क्या है? ऑपरेशन है। बट याद रखना ये ज़रूरी है, ऑपरेशन ऑलवेज ऑन मेंबर होता है, डायरेक्टर पे कोई ऑपरेशन यहाँ पे इस सेक्शन में कवर नहीं किया है।
एक डायरेक्टर है, डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, जिनके पास मेजॉरिटी ऑफ द शेयर्स है. डायरेक्टर इन द कैपेसिटी ऑफ मेंबर, डायरेक्टर इन द कैपेसिटी ऑफ मेंबर हो सकता है. तो डायरेक्टर के पास 75% शेयर्स ऑफ द कंपनी है. और इन डायरेक्टर्स ने क्या किया, इन डायरेक्टर्स ने एक कॉन्ट्रैक्ट है जो था तो कंपनी का, लेकिन किसके नाम पे उस कॉन्ट्रैक्ट को करा, तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि 75% शेयर्स जिन डायरेक्टर के पास थे इन द कैपेसिटी ऑफ मेंबर, इन्होंने क्या किया, अपने नाम पे, खुद के नाम पे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया इंस्टेड ऑफ कंपनी के नेम पे. फिर जनरल रिजोल्यूशन में, एक जनरल मीटिंग में रिजोल्यूशन पास कर दिया कि कंपनी का कोई इंटरेस्ट नहीं है इस कॉन्ट्रैक्ट में, और सारा के सारा प्रॉफिट अपने नाम पे कर लिया. यहाँ पे कंपनी क्लेम कर सकती है और डायरेक्टर से इन प्रॉफिट को क्या कर सकती है, क्लेम कर सकती है, रियलाइज़ करवा सकती है डायरेक्टर से इन प्रॉफिट को. तो दिस आर सम एग्जांपल्स कि ऑपरेशन कैसे होता है. ऑपरेशन मेंबर्स पे होता है. राइट यूटिलाइज करना ऑपरेशन नहीं है. इलीगल चीज़ ज़रूरी नहीं है हमेशा ऑपरेशन हो. अल्ट्रा वायर चीज़ ऑपरेशन हो सकती है अगर डैमेज कर रहे हैं तो, और आपकी अगर अल्ट्रा वायर कोई चीज़ है तो उसे रेटिफाई नहीं किया जा सकता. माइनॉरिटी को फोर्स करना, प्रॉफिट को डाइवर्ट करना, कंपलसरी एक्विजिशन करवाना, ये सारी चीज़ें क्या है, ऑपरेशन हो सकती हैं. या फिर क्या किया, दो शेयर होल्डर्स हैं, शेयर होल्डर मतलब डायरेक्टर इन द कैपेसिटी ऑफ द मेंबर, इन्होंने क्या किया, कोई असेट थी प्रॉपर्टी कंपनी की, उस असेट को काफ़ी ज़्यादा लो प्राइसेस पे सेल किया. कंपनी की उस प्रॉपर्टी को क्या किया, काफ़ी ज़्यादा लो प्राइसेस पे सेल किया. अगर ऐसे करते हैं तो इस केस में भी क्या किया जा सकता है, यहाँ पे ऑपरेशन है. और यहाँ पे क्या किया जा सकता है, क्लेम किया जा सकता है फॉर ऑपरेशन, कंप्लेन फाइल की जा सकती है. कहीं पे लिखा है कि स्पेशल रिजोल्यूशन पास होके ही कोई रिजोल्यूशन पास हो सकता है. यहाँ पे क्या है, कोई रिजोल्यूशन पास करना है तो उसके लिए स्पेशल रिजोल्यूशन की ज़रूरत है. तो सिंपल मेजॉरिटी वर्क नहीं करेगी. तो जहाँ स्पेशल रिजोल्यूशन है वहाँ स्पेशल रिजोल्यूशन होना चाहिए. अगर वो रिजोल्यूशन सिंपल मेजॉरिटी से पास हुआ है वो भी गलत है. अगर किसी के पर्सनल राइट को आप इनफ्रिगर कर रहे हो, रोक रहे हो, तो उस राइट को एनफोर्स करवाने के लिए भी क्या किया जा सकता है, ऑपरेशन हो सकता है. नाउ व्हेन इट रिलेट्स टू कि ऑपरेशन है, तो ऑपरेशन है तो कहाँ जाया जाता है, तो अगर ऑपरेशन है तो मेंबर्स कहाँ जा सकते हैं. इवन अ सिंगल मेंबर कैन ऑल्सो गो, सिंगल मेंबर भी ऑपरेशन करने के लिए ऑपरेशन की कंप्लेन लेके जा सकता है. तो कहाँ पे जाएगा, वो ट्रिब्यूनल के पास जाएगा ऑपरेशन के लिए. तो यहाँ पे कितने लोग ट्रिब्यूनल के पास ऑपरेशन के लिए, इस तरह की चीज़ों के लिए जा सकते हैं, तो देर आर टू सेक्शंस, दो सेक्शन है जहाँ पे एप्लीकेशन की बात होती है. एक है सेक्शन नंबर 244 जो बताता है कि कितने और कौन से मेंबर्स जा सकते हैं, एंड देन देयर इज सेक्शन नंबर 245. 244 भी बोलता है एंड 245 भी बोलता है कि ऑपरेशन के लिए जाया जा सकता है. ऑपरेशन 245 में क्लास एक्शन है, मतलब एक ग्रुप लोगों का, एक क्लास ऑफ शेयर्स, ऐसे क्या एक डिपॉजिटर्स की क्लास हो गई, ये लोग भी जा सकते हैं ऑपरेशन के अगेंस्ट. और 244 में मेंबर्स और मेंबर्स को राइट है कि वो जा सकते हैं कहाँ पे, ऑपरेशन के लिए. सो कंप्लीट लिंकेज ऑफ द टॉपिक, यहाँ पे 244 में भी जाया जा सकता है, 245, लेकिन 245 क्लास ऑफ एक्शन होगा, तो क्लास ऑफ एक्शन के लिए. जब ये 244 और 245 में कहाँ पे जाते हैं, ट्रिब्यूनल के पास जाते हैं, तो ट्रिब्यूनल क्या करेगा, ट्रिब्यूनल की पावर कहाँ दी है, ट्रिब्यूनल की पावर है 242. सेक्शन नंबर 242 किसके बारे में बोलता है, सेक्शन नंबर 242 आपके ट्रिब्यूनल की पावर के बारे में बोलता है. तो इसका मतलब जब भी आपको अप्लाई करना है, किसे अप्लाई करना है, ट्रिब्यूनल को अप्लाई करना है, ट्रिब्यूनल को अप्लाई करना है 241 में, ट्रिब्यूनल को अप्लाई करना है 241 में. और ट्रिब्यूनल ने बताया है, यहाँ पे 241 ने बताया कि मेंबर्स जा सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट एप्लीकेशन करने जा सकता है. और ये कौन से और कितने मेंबर्स होंगे ये 244 बताता है, और क्लास ऑफ एक्शन के बारे में 245. 241 में आप एप्लीकेशन कर सकते हैं, कौन एप्लीकेशन कर सकता है सिर्फ ये बताया, पर नंबरिंग नहीं दी है, नंबरिंग दी है 244 में. 245 क्लास ऑफ एक्शन के बारे में बोलता है, और 242 जो है, 242 बताता है किसके बारे में, पावर ऑफ ट्रिब्यूनल के बारे में. दिस मस्ट बी अंडरस्टूड वेरी वेल. नाउ स्टार्टिंग फर्स्ट विद 241, कि यहाँ पे 241 ने क्या बोला है. 241 बोलता है कि अगर कंप्लेन करनी ही है मेंबर्स को,
मेंबर को अगर कंप्लेन करनी है तो मेंबर्स कंप्लेन कर सकते हैं ट्रिब्यूनल को. मेंबर्स क्या कर सकते हैं? ट्रिब्यूनल को कंप्लेन कर सकते हैं. अब कौन और कितने मेंबर्स होंगे, एज सेड सेक्शन नंबर 244 स्टेट दैट कितने एलिजिबल मेंबर्स जा सकते हैं. इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट कैन ऑल्सो अप्लाई. किस चीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं? ऑपरेशन के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट भी ट्रिब्यूनल को अप्लाई कर सकते हैं. व्हाट आर द केसेस जहाँ पे हमने ऐसा तो समझा कि ये ऑपरेशन वगैरह है, वो वाइड टर्म था, लेकिन एक जनरल व्यू में कब कंप्लेन की जाती है ट्रिब्यूनल को? जब लगता है कि कंपनी के जो अफेयर्स हैं हैव बीन का मतलब थे और हैं. अफेयर्स ऑफ द कंपनी हैव बिन और आर बिन कंडक्टेड प्री जुडिशल, ऐसे कंडक्ट किए जा रहे हैं जो कंपनी के फेवर में नहीं है, जो पब्लिक इंटरेस्ट के फेवर में नहीं है, जो मेंबर खुद एप्लीकेशन कर रहा है या दूसरे मेंबर्स इनके किसी के फेवर में नहीं है, या तो कंपनी के फेवर में नहीं है या पब्लिक इंटरेस्ट के फेवर में नहीं है, या फिर जो मेंबर एप्लीकेशन कर रहा है या अदर मेंबर है उसके फेवर में ही नहीं है, ना कभी फेवर में था या फिर कभी फेवर में नहीं है. हैव बीन भी लिखा है यहाँ पे और आर बीन कंडक्टेड भी लिखा है. या फिर कोई ऐसा मटेरियल चेंज मैनेजमेंट या कंट्रोल में है, ऐसा कोई मटेरियल चेंज है मैनेजमेंट या कंट्रोल ऑफ द कंपनी में जिसके कारण क्या हो रहा है, जिसके कारण ऐसे चांसेस हैं कि अफेयर्स ऑफ द कंपनी कंडक्ट होंगे प्री जुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ मेंबर और क्लास ऑफ मेंबर. मैनेजमेंट ऐसा चेंज हो गया, कंट्रोल में कुछ ऐसा चेंज आ गया कि ये जो चेंज्ड मैनेजमेंट है पूरे चांसेस है कि अब मेंबर्स के प्री जुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ मेंबर या क्लास ऑफ मेंबर काम होगा. अब ये मटेरियल चेंज मैंने बोला कि देयर इज़ अ मटेरियल चेंज इन मैनेजमेंट. मटेरियल चेंज मैनेजमेंट में है, मटेरियल चेंज कंट्रोल में है. व्हाट डू यू मीन बाय दिस मटेरियल चेंज? तो मटेरियल चेंज का मतलब ये नहीं है कि इंटरेस्ट ऑफ क्रेडिटर अफेक्ट हो, मटेरियल चेंज का मतलब ये नहीं है इंटरेस्ट ऑफ डिबेंचर होल्डर अफेक्ट हो, या फिर किसी क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स का क्या हो इंटरेस्ट अफेक्ट हो. यहाँ पे क्या बोला है, जस्ट मटेरियल चेंज का मतलब ये नहीं है कि इंटरेस्ट ऑफ द क्रेडिटर अफेक्ट हो, डिबेंचर होल्डर अफेक्ट हो, या फिर किसी क्लास ऑफ शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी का इंटरेस्ट अफेक्ट हो. जबकि मटेरियल चेंज का मतलब ये है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में ऑल्ट्रेशन, मैनेजर में ऑल्ट्रेशन, ओनरशिप ऑफ द शेयर्स में ऑल्ट्रेशन, या मेंबरशिप ऑफ द कंपनी में ऑपरेशन अगर कोई शेयर कैपिटल नहीं है. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मैनेजर, ओनरशिप ऑफ द कंपनी शेयर, या फिर मेंबर ऑफ द कंपनी अगर कोई शेयर कैपिटल नहीं है, इनमें कोई चेंज आता है तो ये ही मटेरियल चेंज है. 241 सबसेक्शन 2 बोलता है सेंट्रल गवर्नमेंट का भी अगर ओपिनियन है कि कंडक्ट ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी आर कंडक्टेड प्री जुडिशियल टू द पब्लिक इंटरेस्ट, तो खुद सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिंसिपल बेंच ऑफ ट्रिब्यूनल को रेफर करेगा कि यहाँ पे इस कंपनी में हमें ऐसा लगता है कि कोई पर्सन है जो इज़ और हैज़ बीन मैनेज्ड बाय पर्सन, कंपनी के जो अफेयर्स हैं. यहाँ पे बोला है कि कंपनी में कोई ऐसा पर्सन है, कंपनी इज़ और हैज़ बीन मैनेज्ड बाय अ पर्सन, ऐसे पर्सन के थ्रू मैनेज की जा रही है या फिर की जा रही थी जो गिल्टी ऑफ फ्रॉड है या फिर मिसफियांस है या फिर नेग्लिजेंस कर रहा है या फिर जो भी ऑपरेशन कर रहा है, ऑब्लिगेशन फंक्शंस डिफॉल्ट, नेग्लिजेंस, मिसफियांस, गिल्टी है, या फिर जो बिजनेस ऑफ द कंपनी है, कंपनी का बिजनेस इस तरह से कंडक्ट हो रहा है जो साउंड बिजनेस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग तो कंडक्ट नहीं हो रहा. ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि ये पर्सन साउंड बिजनेस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग बिजनेस कंडक्ट नहीं कर रहा, या फिर ये पर्सन खुद फ्रॉड के लिए गिल्टी है, मिसफियांस या फिर नेग्लिजेंस के लिए गिल्टी है, या फिर लाइकली है कि इस तरह से ट्रेडिंग की जा रही है कि हो सकता है कि सीरियस डैमेज हो या फिर सीरियस डैमेज ऑलरेडी ट्रेड इंडस्ट्री बिजनेस को हो, ऑलरेडी क्या इज़ लाइकली टू कॉज सीरियस डैमेज, या फिर हो सकता है कि ट्रेड इंडस्ट्री में सीरियस डैमेज कर दे वो, या फिर इस पर्सन का इंटेंशन डिफ्रॉड करना है क्रेडिटर मेंबर्स या किसी भी पर्सन को डिफ्रॉड करना इस पर्सन का इंटेंशन है. अगर ऐसा है तो कंप्लेन किसको करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिंसिपल बेंच ऑफ ट्रिब्यूनल को. किसको? प्रिंसिपल बेंच ऑफ ट्रिब्यूनल को कंप्लेन करेगा.
यहाँ पे कंप्लेन करते वक्त हर एक एप्लीकेशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट किसको देता है, ट्रिब्यूनल को, हर एक एप्लीकेशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट किसको देता है, ट्रिब्यूनल को, उसमें सरकमस्टेंस, स्टेटमेंट ऑफ सरकमस्टेंस होना चाहिए. साथ ही साथ क्या होना चाहिए, स्टेटमेंट ऑफ सरकमस्टेंस एंड मटेरियल, और ये साइंड एंड वेरीफाइड होना चाहिए एप्लीकेशन कोड ऑफ सिविल प्रोसीडिंग्स के अकॉर्डिंग. तो ये है क्या कि 241 में सेंट्रल गवर्नमेंट एंड मेंबर्स जा सकते हैं. ग्राउंड क्या है सेंट्रल गवर्नमेंट के जाने का, उसे किसी पर्सन पे डाउट है, और मेंबर तब जाएगा जब लगता है कि कंपनी के अफेयर्स कंडक्ट हो रहे हैं या कंडक्ट हो रहे थे प्री जुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक, प्री जुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ मेंबर जो अप्लाई कर रहा है, या फिर दूसरा मेंबर, या फिर प्री जुडिशियल क्या, प्री जुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ खुद पब्लिक इंटरेस्ट या कंपनी. अब इसके बाद क्या आता है कि देखो कंपनी को हमें क्या करना है, यहाँ पे आइदर मेंबर या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट अब एप्लीकेशन कर सकते हैं, ये सीखा. अब ये समझना ज़रूरी है कि कितने मेंबर्स जा सकते हैं, वो दिया है 244 में. सेक्शन 244 बताता है कितने मेंबर्स जा सकते हैं, और 245 में क्लास ऑफ मेंबर्स के बारे में बोला है. 245 इज़ अबाउट द क्लास ऑफ मेंबर एंड 244 इज़ अबाउट व्हाट, 244 इज़ अबाउट मेंबर्स में कितने नंबर हो सकते हैं. तो यहाँ पे 244 बोलता है मेंबर्स के लिए. अगर कंपनी के पास शेयर कैपिटल है, कंपनी क्या है, शेयर कैपिटल वाली कंपनी है, तो कम से कम 100 मेंबर्स या 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर, और वन और मोर मेंबर जिसके पास कम से कम, नॉट लेस देन 1/10 ऑफ द इशू शेयर कैपिटल होना चाहिए. 244 में बोला है मेंबर्स, अगर ये शेयर कैपिटल वाली कंपनी है तो यहाँ पे कम से कम 100 मेंबर या 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर, या फिर एटलीस्ट वन मेंबर, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ द मेंबर्स जो नॉट लेस देन 1/10 ऑफ द इशू शेयर कैपिटल होल्ड करते हो, और अगर शेयर कैपिटल नहीं है तो टोटल नंबर ऑफ मेंबर का 1/5, एटलीस्ट 1/5 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स होने चाहिए. फिर यहाँ बोला है कि अगर ट्रिब्यूनल के पास पावर है, डिस्क्रिशन है ट्रिब्यूनल का, अगर ट्रिब्यूनल चाहे मैटर बहुत रिस्की है या फिर बहुत इम्पॉर्टेंट मैटर है, तो ट्रिब्यूनल इससे कम लेस नंबर ऑफ मेंबर्स को बोल सकता है कि आप इससे कम लोग भी क्या कर सकते हो, एप्लीकेशन कर सकते हो, ऐसा ट्रिब्यूनल कह सकता है. लेकिन जब भी एप्लीकेशन करेंगे उसकी कंडीशन, एक कंडीशन ये है कि अगर एप्लीकेंट अप्लाई कर रहा है तो उसके सारे ड्यूज, उसके सारे कॉल्स पे हो चुके होने चाहिए. लेकिन हाँ, ट्रिब्यूनल चाहे तो इस चीज़ को वेव ऑफ कर सकता है, तब फिर मेंबर्स तब भी अप्लाई कर पाएंगे भले ही उनके ड्यूज पे हुए हों या नहीं हुए हों. एंड सेकेंड इज़, जितने शेयर्स यहाँ पे बोले 1/10, एटलीस्ट 1/10 ऑफ द क्या होना चाहिए, शेयर्स होल्ड करके रखे होने चाहिए. तो बोलता है ये एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन है, एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन इतने नंबर ऑफ शेयर्स होल्ड करके रखने हैं. इसका मतलब ये है कि अगर बाद में एप्लीकेशन के बाद में शेयर होल्डर्स ने अपने शेयर्स सेल कर दिए, या फिर क्या हो गया, वो विड्रॉ कर लेते कि नहीं भाई हमको तो एप्लीकेशन नहीं देना, कोई भी केस में एप्लीकेशन वैलिड ही रहेगी, क्योंकि एट द टाइम नंबर ऑफ शेयर्स देखने हैं, एट द टाइम ऑफ मेकिंग द एप्लीकेशन. जॉइंट होल्डर को एक ही मेंबर माना जाएगा, और यहाँ पे शेयर होल्डिंग का मतलब है चाहे इक्विटी शेयर होल्डिंग हो या फिर प्रेफरेंशियल होल्डिंग हो, ये दोनों ही चलेगा. चाहे इक्विटी शेयर होल्डिंग हो या फिर क्या हो, आपकी प्रेफरेंशियल शेयर होल्डिंग हो, दोनों चलेगा. देन कमिंग टू सेक्शन नंबर 245 में बोला है वो नंबर ऑफ मेंबर्स और वो नंबर ऑफ डिपॉजिटर्स, जिन्हें लगता है कि मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी या अफेयर ऑफ द कंपनी, अगेन प्री जुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ कंपनी मेंबर या डिपॉजिटर जा रहा है. न्यू थिंग इज़ यहाँ पे अब डिपॉजिटर की क्लास भी जा सकती है, अगर उन्हें लगता है अफेयर्स ऑफ द कंपनी प्री जुडिशियल टू द इंटरेस्ट जा रहे हैं, आइदर टू मेंबर, आइदर टू कंपनी और टू डिपॉजिटर, तो ये लोग भी जा सकते हैं. अब जब ये लोग जाएंगे किस चीज़ के लिए, ये लोग कंप्लेन करेंगे डिपॉजिटर, तो कितने डिपॉजिटर और कितने मेंबर, यहाँ पे क्लास ऑफ मेंबर कितने होना चाहिए. तो क्लास ऑफ मेंबर में अगर शेयर कैपिटल है, तो एटलीस्ट 100 और 5% ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स, और मेंबर्स
member or member that hold not less than 5%, not less than 5% of issued share capital in unlisted company, और अगर ये company listed है तो not less than 2% of issued share capital of listed company. 244 अलग बताता है 100, 1/10 और साथ में नॉट लेस देन 1/10 अगर शेयर कैपिटल होल्ड करनी है वो 244 है. जब क्लास ऑफ शेयर्स के बारे में जाएंगे, क्लास ऑफ एक्शन में, तो मेंबर्स एटलीस्ट कितने होने चाहिए, 100, या फिर टोटल नंबर ऑफ मेंबर का 5% होना चाहिए, या फिर जो मेंबर्स हैं अगर लिस्टेड कंपनी है तो लिस्टेड कंपनी में कम से कम 5%, नॉट लेस देन 5% इशूड शेयर कैपिटल रखें अनलिस्टेड में, और अगर लिस्टेड है तो लिस्टेड में थोड़ा बहुत भी चल जाएगा, 2% भी चल जाएगा अगर वो होल्ड करते हैं तो, इसमें से विच एवर इज लेस लेना है. मैम अगर क्या है यहाँ पे मेंबर्स को जाना है, तो यहाँ पे तो मेंबर्स को जाना है तो फिर से उन्हें कॉल्स पे करने पड़ेंगे, ड्यूज़ पे करने पड़ेंगे. अगर मैम कंपनी नो जिसकी कोई शेयर कैपिटल नहीं है तो सेम टू दी 244 1/5 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स 1/5 ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स जा सकते हैं. डिपॉजिटर कितने जाएंगे, तो डिपॉजिटर का सेम है 100 डिपॉजिटर जा सकते हैं, या फिर 5% ऑफ टोटल नंबर ऑफ डिपॉजिटर, और वन और मोर डिपॉजिटर जिसको कंपनी ओ करती है वो कितना होना चाहिए, एक या एक से ज़्यादा डिपॉजिटर, जो 5% ऑफ टोटल डिपॉजिट जिनका क्या है कंपनी के पास है, कंपनी जिसको कम से कम 5% ऑफ द टोटल डिपॉजिट ओ करती है, इनमें से कोई भी जा सकता है. लेकिन ये जो कैटेगरी है डिपॉजिटर की, ये चीज़ अप्लाई नहीं होगी, ओवरऑल ये सेक्शन ही अप्लाई नहीं होगा बैंकिंग कंपनी पे. बैंकिंग कंपनी पे ये ओवरऑल सेक्शन अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि बैंकिंग कंपनी का तो काम ही इन चीज़ों का है, लेना और देना करना. तो ये ओवरऑल सेक्शन क्लास सेक्शन का बैंकिंग कंपनी के लिए एप्लीकेबल बिल्कुल भी नहीं है. नाउ व्हाट आर द रेमेडीज़, अगर 245 में जाएंगे तो रेमेडी क्या है, तो रेमेडी ये है कि ट्रिब्यूनल रेस्ट्रेन कर सकता है किस चीज़ से, कोई अल्ट्रा वायर एक्शन ले रही है कंपनी एओए एमओए के अगेंस्ट तो ट्रिब्यूनल रेस्ट्रेन कर सकता है, कोई प्रोविजन का ब्रीच कर रहे हैं, अल्ट्रा वायर टू द आर्टिकल जा रहे हैं, अल्ट्रा वायर टू मेमोरेंडम जा रहे हैं, अल्ट्रा वायर किसके लिए जा रहे हैं, एसोसिएशन या मेमोरेंडम, या फिर कोई प्रोविजन है एसोसिएशन मेमोरेंडम का, या फिर कोई रिजोल्यूशन डिक्लेयर किया था लेकिन कैसे डिक्लेयर किया, मटेरियल फैक्ट जो थे फॉल्स फैक्ट डिक्लेयर कर दिए थे, फॉल्स फैक्ट मेंबर या डिपॉजिटर को बता के रिजोल्यूशन पास किया है, तो वो रिजोल्यूशन को वॉइड बता सकता है, रेस्ट्रेन कर सकता है किसी रिजोल्यूशन के थ्रू एक्ट करने के लिए, अगर वो रिजोल्यूशन के लिए जो आप एक्ट कर रहे हो वो सही नहीं है, कोई कंट्रावेंशन करते हो प्रोविजन ऑफ द एक्ट उससे रेस्ट्रेन कर सकता है, किसी रिजोल्यूशन के एक्शन को पास करने के लिए रोक सकता है, क्लेम एंड डैमेज देने के लिए बोल सकता है, अगर कोई डायरेक्टर है जिसने अपने अपॉइंटमेंट के टाइम कुछ अनड्यू गेन लिया है तो वो गेन रिकवर भी किया जा सकता है. इनफैक्ट क्लेम एंड डैमेज किससे लिया जा सकता है, ऑडिटर से भी लिया जा सकता है, एक्सपर्ट एडवाइज़र कंसल्टेंट से भी लिया जा सकता है जिन्होंने मिसलीडिंग या इम्प्रॉपर स्टेटमेंट इशू किया है. तो यहाँ पे बोलते हैं कि अगर ऑडिटर क्लेम या डैमेज दे, तुम्हारा जो ट्रिब्यूनल है क्लेम एंड डैमेज दिलवा सकता है, कंपनसेशन दिलवा सकता है, कंपनी फ्रॉम और अगेंस्ट, कंपनी से भी दिला सकता है किसी कंपनी के अगेंस्ट, मतलब कंपनी को भी बोल सकता है भाई क्लेम दो डैमेज दो, डायरेक्टर से भी ले सकता है जिसने फ्रॉडलेंटली एक्ट किया है, या फिर वो ऑडिटर इंक्लूड द फर्म ऑफ ऑडिटर जिसने क्या किया है मिसलीडिंग इम्प्रॉपर स्टेटमेंट इशू किया, और जब फर्म की लाइबिलिटी आती है तो फर्म की लाइबिलिटी में क्या है, हेयर लाइबिलिटी शेल बी ऑफ फर्म एज वेल एज ईच पार्टनर, हर एक पार्टनर जो इन्वॉल्व है इस मिसलीडिंग एक्ट के लिए उनकी भी लाइबिलिटी आती है. इनफैक्ट एक्सपर्ट एडवाइज़र कंसल्टेंट जिन्होंने मिसलीडिंग क्या दिए हैं स्टेटमेंट दिए हैं दे आर ऑल्सो लाइबल, वो भी क्या है लाइबल, किस चीज़ के लिए, डैमेजेस को कंप्लाई करने के लिए. सो दिस आर सम ऑफ द थिंग, कोई फ्रिवलेस एप्लीकेशन आ गई तो ऑब्वियसली अगर फ्रिवलेस एप्लीकेशन आती है तो या तो एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देगा ट्रिब्यूनल, और अगर एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं कर रहा है ट्रिब्यूनल तो रीज़न रिकॉर्ड करेगा इन राइटिंग और बताएगा किस बेसिस पे एप्लीकेशन को फ्रिवलेस कहा गया है, और अपोजिट पार्टी को क्या करना होगा एप्लीकेंट को पेमेंट करना होगा, मतलब इन शॉर्ट जिसने भी फ्रिवलेस एप्लीकेशन किया है तो एप्लीकेंट क्या करेगा अपोजिट पार्टी को क्या करेगा फ्रिवलेस एप्लीकेशन का
कॉस्ट देगा, उसे क्या करना पड़ेगा, उसे बियर करना पड़ेगा एप्लीकेंट को सामने वाली अपोजिट पार्टी को परेशान करने के लिए फीस वगैरह देनी पड़ेगी। ट्रिब्यूनल का जो ऑर्डर आता है किस पे बाइंडिंग है, हर एक मेंबर, हर एक डिपॉजिटर, ऑडिटर, एक्सपर्ट, कंसल्टेंट, एडवाइजरी या फिर कोई भी पर्सन जो कंपनी से एसोसिएटेड है, खुद कंपनी, इन सब पे ट्रिब्यूनल का ये जो ऑर्डर है वो क्या होने वाला है, बाइंडिंग होने वाला है। तो ऑर्डर ऑफ द कंपनी इज बाइंडिंग ऑन ऑल द मेंबर, डिपॉजिटर, ऑडिटर, एक्सपर्ट, कंसल्टेंट, एडवाइजर, अदर पर्सन एसोसिएटेड टू द कंपनी या फिर कंपनी पे खुद बाइंडिंग है। देन कमिंग टू द सेक्शन नंबर 242 एंड 243। अब 242 एंड 243 में क्या लिखा है, क्या कॉन्सिक्वेंस होंगे अगर टर्मिनेशन हो जाता है किसी कॉन्ट्रैक्ट या किसी एग्रीमेंट का। तो अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट का टर्मिनेशन होता है तो वहाँ जो डायरेक्टर हैं, जिस डायरेक्टर ने गलत तरह से काम किया है, एक तो उसका क्या होता है, ऑफिस वेकेट हो जाता है। सपोज़ करो आप क्या जाते हो, ट्रिब्यूनल के पास जाते हो, ट्रिब्यूनल ने क्या कर दिया, किसी डायरेक्टर के कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर दिया, मॉडिफाई कर दिया, सेट असाइड कर दिया, चाहे वो डायरेक्टर हो, मैनेजिंग डायरेक्टर या मैनेजर। तो सबसे पहली चीज़, ऑफिस वेकेट हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल, जैसे ही डेट आती है ट्रिब्यूनल के ऑर्डर की डेट आती है उस दिन से उसका ऑफिस वेकेंट, कोई कंपनसेशन इसे नहीं मिलेगा। और साथ साथ ही ये जो मैनेजिंग डायरेक्टर है, ये जो मैनेजर है, ये इसी कंपनी में क्या नहीं बन सकते, कम से कम 5 साल तक क्या नहीं बन सकते, फिर से मैनेजर, डायरेक्टर या मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं बन सकते। हाँ, ट्रिब्यूनल की परमिशन लगेगी अगर 5 ईयर्स से पहले क्या बनना चाहते हैं, मैनेजर डायरेक्टर यहाँ पे बनना चाहते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है कि इफ़ेक्ट क्या होगा टर्मिनेशन मॉडिफिकेशन ऑफ एग्रीमेंट का, रेस्ट इज़ जस्ट अ रीडिंग पार्ट। द इम्पॉर्टेंट सेगमेंट वॉज कि अगर डायरेक्टर को या किसी भी पर्सन को निकाला जाता है, तो किसी और पर्सन को निकाला तो कोई डैमेज नहीं होगा, और साथ में किसी और पर्सन को अगर आप क्या कर रहे हो, उसका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर रहे हो, उसका कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफाई या सेट असाइड कर रहे हो, तो उसे एक नोटिस भी जाना चाहिए और उसका कंसेंट भी जाना चाहिए। बट अगर आप डायरेक्टर को निकाल रहे हो तो डायरेक्टर को निकालने के केस में क्या करना होगा, वैकेशन ऑफ द ऑफिस फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रिब्यूनल ऑर्डर हो जाएगा, कोई लॉस का कंपनसेशन नहीं है, और साथ ही साथ ये 5 साल तक डिसक्वालीफाई है इसी कंपनी में मैनेजर डायरेक्टर या फिर मैनेजिंग डायरेक्टर बनने के लिए। इसके अलावा है कि जैसे ही क्या होता है, ट्रिब्यूनल को एप्लीकेशन गई, जिस डेट को ट्रिब्यूनल को एप्लीकेशन गई उससे जस्ट 3 महीने पहले किसी प्रॉपर्टी को सेट असाइड किया है, ट्रांसफ़र किया है, डिलीवर किए हैं गुड्स किसी पर्सन ने, कंपनी ने किसी पर्सन को दिए हैं, तो यहाँ पे अगर जस्ट इस एप्लीकेशन के 3 महीने पहले ऐसा कोई ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी का हुआ है तो उसे फ्रॉडलेंट प्रेफरेंस कंसिडर किया जाएगा। उसे क्या कंसिडर किया जाएगा, फ्रॉडलेंट प्रेफरेंस। और हाँ, हमारा ट्रिब्यूनल चाहे तो किसी भी आर्टिकल को क्या कर सकता है, अमेंड कर सकता है, और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जो अमेंडमेंट है वो कंपनी लॉ में कुछ नहीं लिखा है, कंपनी लॉ के अगेंस्ट भी वो पास कर सकता है। अगर ये मैटर को क्लोज करने के लिए कंपनी एक्ट के अगेंस्ट जाना है तो ट्रिब्यूनल आपके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को अमेंड कर सकता है कंपनी लॉ के अगेंस्ट जाके भी, अगर इस मैटर को क्लोज करने के लिए ये ज़रूरी है। तो जो भी ऑर्डर आएगा ट्रिब्यूनल का, विद इन 30 डेज किसको जाना चाहिए, विद इन 30 डेज रजिस्ट्रार को ये ऑर्डर चला जाना चाहिए कि ये ऑर्डर ट्रिब्यूनल ने पास किया है। दैट इज़ ऑल फॉर ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट। जस्ट कंप्लीट द क्वेश्चन बैंक, देखो कौन से केस लॉ है, लर्न करो, एंड व्हाट आर द कीवर्ड्स दैट शुड बी रिटर्न, हाउ द प्रेजेंटेशन शुड बी मेड, एटलीस्ट 5 आंसर्स शुड बी रिटर्न डन इन रिटर्न प्रैक्टिस से ही करेंगे। ओके, सो थैंक यू। इफ यू लाइक दिस काइंड ऑफ ऑडियो रिविजन लेक्चर्स, डू लेट मी नो, देन ओनली आई विल बी पोस्टिंग मोर।